स्टूडेंट्स, डॉक्टर कृष्णा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिशियन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तथा कैपेसिटेंस। ठीक है, ये जो होती है ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, इसका अभिप्रेय क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार का होता है, ये हम आपको बताएंगे। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है इसकी जो परिभाषा होती है वो है कि किसी वस्तु की सामान्य अवस्था की अपेक्षा कुछ अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेना, खो देना की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, आप देख लीजिए हम इलेक्ट्रिक चार्ज से हमें क्या अभिप्रेय होता है इसके बारे में आप देख लीजिए। किसी वस्तु की सामान्य अवस्था की अपेक्षा कर लेने या खो देने की मात्रा की इलेक्ट्रिक चार्ज है। सामान्य अवस्था में कोई भी वस्तु उदासीन स्थिति में होती है। यदि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए जाए तो
यदि कुछ इलेक्ट्रॉन वस्तु में जोड़ दिए जाएं, तो यह ऋण चार्जित हो जाती है। ठीक है, ये कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट है हमारी धन चार्जित, सेकेंड है हमारी ऋण चार्जित। ठीक है, इनको देख लीजिए ये कौन कौन सी होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन चार्ज किसी वस्तु की सामान्य अवस्था की अपेक्षा कुछ अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेना या खो देने की मात्रा ही इलेक्ट्रिक चार्ज है। सामान्य अवस्था में कोई भी वस्तु अपनी उदासीन स्थिति में होती है, यदि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए जाए तो वस्तु धन चार्जित हो जाती है। यदि कुछ इलेक्ट्रॉन वस्तु में जोड़ दिए जाए तो यह ऋण चार्जित हो जाती है। कोई वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटोन संतुलन भंग होने पर इलेक्ट्रॉन चार्ज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज ये है कितने प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, धन चार्जित एंड ऋण चार्जित। अब हम देखेंगे धन चार्जित और ऋण चार्जित का क्या होता है। धन चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज, यह किस प्रकार की होती है, यह वस्तु में प्रोटोनों की तुलना में इलेक्ट्रॉन कमी प्रकट करते हैं। सेकंड है हमारा ऋण चार्ज, निगेटिव चार्ज। इसमें निगेटिव चार्ज में क्या होता है, यह वस्तु में प्रोटोनों की तुलना में इलेक्ट्रॉन की बहुलता को प्रकट करता है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा धन चार्ज, यह है वस्तु में प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की कमी प्रकट करता है। एंड सेकंड उसमें है ऋण चार्ज, में हमारा यह वस्तु में प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉन की बहुलता को प्रकट करता है। जो धन हो या ऋण हो, ये वस्तु के सारे धरातल पर विभाजित हो जाते हैं। चार्ज सदा वस्तु के बाहरी तथा ऊपरी तल पर ही रहता है। चार्ज के विभाजन या बिखराव की मात्रा वस्तु के आकार पर निर्भर करती है। गोलाकार तथा बेलनाकार वस्तुओं पर यह समान रूप से बढ़ जाता है, परंतु कोने वाली वस्तुओं की इनकी बहुत मात्रा कोनों तथा तीखे किनारों पर देखने को मिलती है।